हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड, हमारी वोकेबुलरी की आज सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास में हम वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं। वोकेबुलरी की क्लास को मैं ज्यादा बड़ी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए फटाफट से हमारे मैटर पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वोकेबुलरी की क्लास सिक्स, संजीवनी बूटी। तो सिनोनिम्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सिनोनिम है कैंडिड। कैंडिड होता है ईमानदार, निष्कपट। इसके सिनोनिम होंगे ऑनेस्ट, फ्रेंक और फोर्थराइट। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल होता है परफेक्ट, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस, पूर्ण रूप से सही। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, फेमस, प्रोमिनेंट और रिनोन्ड, जिसको चारों तरफ जाना जाता हो। एजाइल होता है एक्टिव, क्विक या निम्बल, ठीक है, जो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, उसको हम एजाइल कहेंगे। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड होता है डरपोक, कावर्ड, शाई और हम्बल। यहां पर कावर्ड पर्सन मत कर देना, कावर्ड, शाई और हम्बल। एंटोनिम्स देखिए, कर्टेल। कर्टेल होता है कम करना, ठीक है, माइनर करना, कम करना। इसके एंटोनिम होंगे एनलार्ज, बढ़ाना, लेंथन और रिज्यूम। लिबर्टी होती है आजादी। इसके एंटोनिम होंगे डिपेंडेंस, स्लेवरी, गुलामी या बॉन्डेज। इलिसिट। इलिसिट होता है गैर कानूनी। इसके एंटोनिम होंगे लॉफुल और लीगल। नेक्स्ट वर्ड है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस होता है बढ़ा चढ़ा के, डिंगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा के कहना। इसके एंटोनिम होंगे काम, पीसफुल और रेस्ट्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस होता है खोलना, ठीक है, खोलना। तो कंक्लूड, क्लोज, बंद करना, या फिर कमेंस होता है शुरू करना, खोलना या शुरू करना। इसके एंटोनिम होंगे कंक्लूड, खत्म करना, क्लोज करना, टर्मिनेट करना, हटाना या एंड खत्म करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए। बेलिकोज होता है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ाई झगड़े का बहुत शौकीन हो, मतलब जो लड़ाई झगड़ा करता हो, उसको कहेंगे बेलिकोज। इरुडाइट कहेंगे ए लर्नड एंड स्कॉलरली पर्सन। अब देखो, स्कॉलरली एडजेक्टिव है और यहां पर एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज हुआ है, लेकिन स्कॉलर नाउन होता है, स्कॉलर के साथ पर्सन का यूज नहीं होगा। तो इरुडाइट होता है विद्वान आदमी को, ठीक है। आइडोलेट्री। आइडोलेट्री होता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ठीक है, जो आइडल्स होती है, मूर्ति पूजा, उसको कहेंगे आइडोलेट्री। और हाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहेंगे, इमेजिनरी इलनेस। हमने कल्पना में ही हमने ये सोच रखा यार मैं तो बीमार हूं, तो ये जो इमेजिनरी इलनेस है, इसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहेंगे। डेट्रीमेंटल होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, जो हानि का कारण बने, नुकसान का कारण बने, उसको डेट्रीमेंटल कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखिए। ब्लाइंड डेट। आप लोग भी जाते होंगे ब्लाइंड डेट पे, जाते हो ना। फर्स्ट मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, किसी लड़के और लड़की के बीच जो पहली मुलाकात होती है ना, जो हमेशा जिंदगी भर याद रहती है, उस पहली मुलाकात को कहेंगे ब्लाइंड डेट। देखो, ब्लाइंड डेट पे जाने का टाइम नहीं है अभी, अभी तो सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है। एक बार करियर बन गया ना, उसके बाद बस फिर सब कुछ है लाइफ में। उसके बाद में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। ब्लाइंड डेट पे भी जाइए, सारी चीजें करिए, तो अभी से फोकस करिए स्टडी पे। नाइन डेज वंडर, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अपने इंडिया में तो चार दिन की चांदनी होती है, लेकिन अमेरिका वालों ने वहां पे इंग्लिश बोलते हैं अमेरिका में, तो वहां पर नौ दिन की चांदनी होती है। नाइन डेज वंडर मीन्स समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है, राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, मतलब टू एग्जेगरेट अ माइनर डिफिकल्टी, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा देना। स्वेट ऑफ वंस ब्रो, आईब्रो के ऊपर पसीने आ जाना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, हार्ड लेबर। यूटोपियन स्कीम मतलब ए विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल, आदर्श स्कीम लेकिन वो प्रैक्टिकली साबित नहीं हो सकती। आगे चलते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पे। प्राइस,
कॉस्ट, टैरिफ, सब्सक्रिप्शन और फी और ड्यूटी। आज वाले कन्फ्यूजिबल वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। प्राइस होती है कीमत, कॉस्ट होती है लागत, टैरिफ होता है शुल्क, सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, चंदा उगाते हैं ना सब्सक्रिप्शन। फी होती है फीस जो कंसल्टेंसी और काउंसलिंग या टीचिंग के लिए देते हैं। ड्यूटी किस पे लगता है? शुल्क, कस्टम्स, सेल्स और इंपोर्ट, इनके लिए क्या लगती है? ड्यूटी, वहां पर शुल्क को यूज करेंगे ड्यूटी का। अकाउंट, अकाउंट होता है खाता, अकाउंट्स होता है हिसाब किताब, बिजनेस रिकॉर्ड्स, और एन अकाउंट होता है विवरण। आगे देखिए, ऑल्टर, ऑल्टर होता है ए होली प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन आइडल, ठीक है, किसी आइडल मूर्ति के सामने जो वेदी होती है ना, जहां पर मंत्रोच्चार करते हैं, वेदी पे हवन वगैरह करते हैं, वहां उसको ऑल्टर कहते हैं। और ए एल टी ई आर, ऑल्टर होता है चेंज करना, टू चेंज, चेंज करना या चेंज कराना। ऑल्टरेशन होता है चेंज, बदलाव, परिवर्तन। और ऑल्टरकेशन होता है ए नोइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, जो नोइजी आर्ग्यूमेंट होते हैं उसको ऑल्टरकेशन कहते हैं। कैवेलरी होता है घुड़सवार सैनिक, और आर्टिलरी होता है पैदल सेना। तो ये आज हमारे वोकैबुलरी क्लास 6 थी। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल होगी, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।